हैं केले, ये है बाउल और ये है फोक। अब हम बनाने लगे हैं पेन केक। तो बहुत हमारे साथ बनाना को इस तरह से आप देख रहे हैं। आप किस तरह बनाती हैं बताएं ही ना। आपने कभी पेन केक बनाया? नहीं, आपको आता ही नहीं। आप टगे हैं, आप बनाना सीखे। टगे बहुत मज़े के बनते हैं ये पेन केक। ये देखिए, ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता आपने कितने केले लेने हैं। थोड़ा जूम करो। टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। एक दूसरे ब्लेंडर के अंदर आप केले ऐड करें और ये मैदा ऐड करें। वैसे मैंने केले क्यों मैश किए, जो मैंने जूसर ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाना ही था, मैं तो भूल ही गई घर में हमारे जूसर भी है। चलें खैर, ये केले मैदा और अब ये जो है अंडे हैं ये, हाँ जी, दो अंडे, दो अदद अंडे, ये आपने ब्लेंडर में डाल देना है। पेस्ट के अंदर आपने दूध ऐड करना है। इसका एक थिक सा बैटर बनाना है आपने। इस तरह से आप डाल दें दूध। ये बहुत मज़े के और इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से ये बनते हैं। अब इसमें चीनी ऐड कर दें। कुछ लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं, या पे डिपेंड करता है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो तेज़ डालें, कम डाल दें, तो कम खाते हैं तो कम डालें। मगर केलों में अपनी मिठास होती है, केले ख़ुद बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। अब ये देखें, हम लोगों ने जूसर ब्लेंडर में केले, मैदा, अंडे, दूध, चीनी, इन सब को डाला और अब हम इसको ये देखें ब्लेंड करेंगे इस तरह से। 5 मिनट के लिए आपने इसका एक थिक बैटर बनाना है ब्लेंडर में। ये देखें, बहुत जल्दी बन जाते हैं पैनकेक। इसमें कोई वो नहीं होता कि जो इतनी मेहनत हो। इसको आप फ्रूट्स में चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको मैंगो में बना सकते हैं, इसको आप चॉकलेट पे बना सकते हैं, पर डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, इतनी थिकनेस होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। आप देख रहे हैं, एक मिनट का मैं मीठा चेक कर दूँ। बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत डन है। आप फिर आप बनाते हैं, चलो चलते हैं। चलो ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं इतना बैटर जो है ना आपका इस तरह का होना चाहिए। इतना ना थिक है ना थिन है, जस्ट नॉर्मल में है ये। अब आप इस तरह से इसका बैटर रेडी करें। अब हम चलते हैं पैन की तरफ। हाँ, अब आपने एक पैन लेना है। पैन को आपने थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। इसको गर्म करने के बाद ये जो आप बैटर देख रहे हैं इसके ऊपर इस तरह डालें, इस तरह से ये। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना है, ज़्यादा पे नहीं करना ये, वरना ये जल भुन जाएंगे, फिर वो पैन के कम लगेंगे और जले हुए पैन ज़्यादा लगेंगे। ये देखें, इस तरह से आप इसका बैटर डालें। ये देखें, अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल आपने समझने डालना है, ब्राइन आम इस तरह। ये देखें, ये डालने के बाद अब हम इसको पलटेंगे इस तरह से। ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा इसको हिला लें ऐसे पैन को, ताकि चारों तरफ आपके जो है ऑयल थोड़ा सा आ जाए, नीचे चिपके ना। वैसे चिपकते नहीं, अगर आप चिपकाना चाहें तो चिपक भी जाएंगे, आपकी मर्ज़ी। खैर, ये देखें, अब इसको हम लोगों ने इस तरह पलटा है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। मैं तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से ना वो बर्न किए हुए मज़ा आता है उसका। ये देखें, अब ये आप इसको थोड़ा सा कुक करें इसको। ये देखें, और बहुत मज़े के ये पैन बनते हैं, कसम से, ट्रस्ट में, आप बनाइएगा। और केलों का फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है, उसकी खुशबू भी। ये देखें, कुछ लोग चीनी में, अगर आप चीनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप शक्कर ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। ये देखें कितने प्यारा सा इसका, ये बहुत ही प्यारा कलर आ गया। आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, शाम के स्नैक्स में भी आप ले सकते हैं इसको। आप ये देखें, ये कितने प्यारे से पैन हमारे रेडी हो रहे हैं। ये देखें, और ख़ुद आप अपने हाथों से जब इस तरह की चीज़ें बनाते हैं आपको और मज़ा आता है। आप शाम ने भी इसको बनाएं, मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें बना के ट्राई करने का, नई नई। अब तो खैर नई नई बहुत पुरानी हो गई है। ये देखें, कुछ लोग बदतमीज़ लोग हमारे घर के, वो उठा के एक ले भी गए, फरार हो गया एक लेके। ये देखें, ये हमारे पैन, ये तो मेरा है जला हुआ, भुना हुआ, क्योंकि मुझे जली हुई चीज़ें बहुत पसंद हैं। खैर।
तरफ चाय रेडी है, एक तरफ पैन रेडी है। आपको लास्ट लुक दिखाती हूँ, ये देखें कितने मज़ेदार से हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।